दोस्तों, इतिहास के हर एक युग में और भारत के हर एक हिस्से से किसी ना किसी महापुरुष ने उठ खड़ा हुआ और अधर्म को जड़ समेत उखाड़ फेंका। पर विडंबना यह है कि ना हमें उनके बारे में पता है, ना हमें कभी उनके बारे में पढ़ाया गया। इसलिए यह हमारा प्रयास है कि हम उन सब महावीरों के वीरगाथा आपके सामने जल्द से जल्द लाए, ताकि आप अपने महान पूर्वजों के बारे में जान सके और उनसे प्रेरणा ले सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 38वें एपिसोड में। हमारे एक दर्शक किरण जी ने हमें अनुरोध किए थे कि हीराखंड राज्य यानी आज के संबलपुर राज्य के महान स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो हम हाजिर हैं आपके सामने वीर सुरेंद्र साय जी के महान इतिहास को समेटे हुए। खैर, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, तब संबलपुर राज्य को हीराखंड राज्य बोला जाता था और ये हीराखंड राज्य के एक छोटा सा हिस्सा खिंडा पर शासन था चौहान वंश के शासक तेज सिंह का। ये रक्त से दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। दोस्तों, उत्तर एवं पश्चिम में मुगल, दक्षिण में निजाम, पूर्व में बंग के नवाब हिंदुओं के ऊपर काफी जुर्म ढा रहे थे, तो इसलिए भारत में सबसे सुरक्षित स्थान था उत्कल प्रदेश, जिससे आज कलिंग या फिर उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के गंगवंशी एवं बाद में गजपति सम्राटों ने करीब 400 साल तक घुसपैठिए मुस्लिम शासकों को उड़ीसा से दूर रखा था, जिसका झलक आज भी देखने को मिलता है। जहाँ आज पश्चिम बंगाल में 69% हिंदू बचे हैं, तभी उड़ीसा में 95% लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। उन्हीं आक्रमणों के चलते बहुत सारे राजपूत राजस्थान छोड़ के उड़ीसा चले आए थे और यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रह गए। खिंडा के जमींदार तेज सिंह के 4 पुत्र थे और उनमें से सबसे बड़े थे धर्म सिंह। धर्म सिंह के 7 बेटे एवं एक बेटी थी। उन सब भाई बहन के नाम थे सुरेंद्र साय, उद्दंत साय, ध्रुव, काज्वल, छबिड़, उज्ज्वल एवं मेदिनी साय। उनके बेटी का नाम था अंजना। जब ये सब बच्चे थे तब धर्म सिंह का निधन हो गया, तो सारे बच्चों को धर्म सिंह के छोटे भाई और इन बच्चों के काका बलराम सिंह अपने बच्चों की तरह पालने लगे। इसी बच्चों में से सबसे बड़े थे हमारे अनसंग वॉरियर सुरेंद्र साय। बचपन से ही उनको काका बलराम सिंह के द्वारा लाठी चालना, घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं कई सारे चीजों में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। देखते ही देखते सुरेंद्र साय बड़े हो जाते हैं और वो खिंडा का जमींदार बनते हैं। जब सुरेंद्र साय नया नया जमींदार बनते हैं, तब संबलपुर के राजा महारत साय का निधन घट जाता है। उनके स्थान पर उनके विधवा पत्नी मोहन कुमारी शासन भार अपने हाथ पे लेती हैं। रानी एक दुर्बल शासिका थी, वो अंग्रेजों को ठीक से कर भी नहीं देती थी। इसलिए संबलपुर के सिंहासन के लिए दो और नए दावेदार आ गए, गोविंद सिंह एवं नारायण सिंह। पर अंग्रेजों के मदद से नारायण सिंह संबलपुर के राजगति हत्या लेते हैं और इसके तुरंत बाद ही संबलपुर के जनता इस निष्पत्ति के खिलाफ विद्रोह छेड़ देती है, परंतु नारायण सिंह इस विद्रोह को ब्रूटली सप्रेस कर देते हैं। इस कालखंड में रामपुर के जमींदार दुर्जय सिंह खिंडा पर हमला करते हैं एवं सुरेंद्र साय के कई सारे कोषागार लूट लेते हैं। इस बात से गुस्साए सुरेंद्र साय अपने भाई उदन साय एवं काका बलराम सिंह को साथ में लेकर दुर्जय सिंह के घर जला देते हैं। इस बात पर रामपुर के जमींदार दुर्जय सिंह सुरेंद्र साय जी के ऊपर केस ठोक देते हैं। विचार चलता है और इसके बाद सुरेंद्र साय को 5 साल, उनके भाई उदन साय को 7 साल एवं काका बलराम सिंह को 12 साल की सजा होता है। पर इस जजमेंट से नारायण सिंह, जो कि संबलपुर का राजा था, वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुरेंद्र साय उसके सिंहासन के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। तो वो वीर सुरेंद्र साय के ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए एवं कोर्ट में पुनः विचार की पिटीशन दायर किए। इस बार सुरेंद्र साय, उनके भाई उदंत साय एवं काका बलराम सिंह को आजीवन कारावास हो गया एवं उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। उस समय सिपाही विद्रोह अपने चरम पे था। विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल तोड़ के सारे कैदियों को रिहा कर दिया और इसी के साथ सुरेंद्र साय एवं उनके भाई उदंत साय वहां से निकलने में कामयाब हो गए। नारायण सिंह, जो कि संबलपुर के राजा थे, उनका देहांत भी हो चुका था एवं वो निसंतान होने के कारण उनके स्थान पे उनके पत्नी को अंग्रेज संबलपुर की शासिका बना चुके थे। जब सुरेंद्र साय एवं उनके भाई उदंत साय संबलपुर पहुंचते हैं, तब वे देखते हैं कि संबलपुर का हालत खस्ता हो गया है एवं दुर्बल रानी राज्य को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए प्रजा के बीच काफी आक्रोश है। इसी वजह से रानी को एवं अंग्रेजों को संबलपुर से खदेड़ने के लिए सुरेंद्र साय सशस्त्र विप्लव का आह्वान करते हैं
उनको आदिवासी एवं जमींदारों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। इस विकट परिस्थिति का सामना करने हेतु अंग्रेज इस काम का जिम्मा कैप्टन ले को देते हैं। कैप्टन ले एक अच्छा दाव चलाया। वे बोले कि आप इस आंदोलन को वापस ले लो, बदले में हम आपको कटक भेज देंगे और हर महीने पेंशन भी देंगे। इतना काफी था वीर सुरेंद्र साय को गुस्सा दिलाने के लिए, और वे बोले, मेरे सर पे तो पहले से ही कफन बंधा पड़ा है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगली बार ऐसे घटिया बात के लिए मुझे यहाँ मत बुलाना। ये आग जैसे बात कैप्टन ले के मन के अंदर जमा बारूद को सुलगाने के लिए काफी था। वो तुरंत सुरेंद्र साय को बंदी बनाने के लिए हुक्म देते हैं, परंतु सुरेंद्र साय उनके हाथ कहाँ आने वाले थे। वो अंग्रेजों को चकमा दे के वहां से भाग गए। इस बार विद्रोह प्रचंड रूप लेता है। अंग्रेज ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, पुलिस कर्मी, फॉरेस्टर आदि उच्च पदस्थ अधिकारियों की घर जला दिया जाता है। अस्त्र भंडार पे हमला करके हथियार लूट लिया जाता है। कुछ समय ऐसा भी आया कि जब लगने लगा कि इस बार अंग्रेज गए काम से। इस हमले से कैप्टन ले डर गए एवं उनके हाई कमांड को मदद की गुहार लगाई। जैसे ही ये खबर पहुंचा, तुरंत ही मद्रास से कैप्टन होड अपने सेना लेकर संबलपुर से होते हुए खिंडा एवं कुलडिया गांव में पहुंच गए, जहां सुरेंद्र साय एवं उनके सेना के साथ अंग्रेजों का फ्रंट टू फ्रंट वार स्टार्ट हो गया। पर गोला बारूद एवं बंदूक का सामना आप तीर एवं तलवार से भला कैसे कर सकते हैं। जल्द ही सुरेंद्र साय के सेना हार जाते हैं एवं जंगल के अंदर भाग जाते हैं। अंग्रेजों ने सुरेंद्र साय जी का राजभवन तोड़ दिया एवं वहां से चले गए। वीर सुरेंद्र साय एवं उनके गरीला दस्ता जंगल से छुप छुप के अंग्रेजों के ऊपर बार बार हमला करते रहे। आखिरकार डीजी उड़ के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक सैन्य टुकड़ी विद्रोहियों को दमन करने हेतु रवाना होते हैं। इस टुकड़ी का सामना सुरेंद्र साय के चौथा सबसे छोटा भाई छबड़ साय की सेना के साथ हो जाता है। शुरुआत में अंग्रेजों को काफी बड़ा झटका मिलता है एवं वे पीछे हट जाते हैं। पर दोस्तों, ये एक छलावा था, क्योंकि छबड़ साय एवं उनके सेना घने जंगल एवं पेड़ के ऊपर से तीरों की बारिश कर रहे थे, इसलिए अत्याधुनिक हथियार से लैस अंग्रेज भी चाहकर उस जंगल के अंदर घुस नहीं पा रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरह छबड़ साय एवं उनके सेना को जंगल से निकालकर खुले मैदान में ले आया जाए। इसलिए अंग्रेज हारने का नाटक रचते हैं और युद्ध छोड़ के भागने लगते हैं। जब छबड़ साय एवं उनके सेना अंग्रेजों के पीछे भागते हैं, तब अनजाने में वो खुले मैदान में चले जाते हैं। जब तक वो अंग्रेजों का ये साजिश समझ पाते, तब तक वो अंग्रेजों की चक्रव्यूह में फंस चुके थे। फिर एक आखिरी लड़ाई छिड़ता है और इस युद्ध में छबड़ साय वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर कुछ समय बीत गया। इसी बीच मेजर इम्फी संबलपुर आए एवं वे सुरेंद्र साय के साथ एक कॉम्प्रोमाइज डील करना चाहते थे। डील के मुताबिक सुरेंद्र साय के आर्मी से जो अंग्रेजों के पास सरेंडर करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा एवं उसके साथ अंग्रेज उनको भत्ता भी प्रदान करेंगे, चाहे वो खुद सुरेंद्र साय भी क्यों ना हो। दोस्तों, ये युद्ध काफी लंबा खींच चुका था। ना जाने कितने वीर इस महायुद्ध में अपना जान गंवा चुके थे। इसलिए खुद सुरेंद्र साय के सबसे प्रिय भाई उदन साय एवं उनके पुत्र मित्र भानु साय अब और लौटना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के पास आत्मसमर्पण कर देते। अब समय बदल चुका था। ना जाने कितने सालों से ये संग्राम चला आ रहा था। सब थक चुके थे। सुरेंद्र साय के सामने सभी बड़े योद्धा एवं सेनापति मर चुके थे या फिर बंदी बनाया जा चुके थे। फैसला मुश्किल था, परंतु लेना तो पड़ेगा ना। फाइनली सुरेंद्र साय सरेंडर कर देते हैं, पर यहाँ भी सुरेंद्र साय जी को एक बड़ा धोखा मिलता है। मेजर इम्फी के वादे के मुताबिक सारे विद्रोहियों को माफ कर दिया जाता है, पर जैसे ही मेजर इम्फी रिटायर्ड हुए, उनके स्थान पर मेजर कमल रेज आए। वो एक क्रूर इंसान थे एवं वे तुरंत सुरेंद्र साय एवं उनके भाइयों को बंदी करने के लिए आदेश सुन रहे। सुरेंद्र साय के गढ़ के अंदर में घुसने का खुफिया रास्ता अंग्रेजों ने सुरेंद्र साय के नौकर को पैसा देकर जान लिए, पर विचारपति स्टामलेट गैम्बेल दोषियों को निर्दोष में खलास करने का फरमान सुनाया, पर इस फरमान को बर्डलाट नहीं माने। विचार चलता है और दंड के मुताबिक ध्रुव साय, मेदिनी साय, उद्दन साय एवं खगेश्वर राव को फांसी की सजा सुनाया गया एवं सुरेंद्र साय जी को आजीवन कारावास का दंड मिला। और 28 फरवरी सन 1884 को मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में बंदी हालत में मां समलेश्वरी के परम भक्त तथा इस देश के बेटे सुरेंद्र साय जी का देहांत हो जाता है, और इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संग्राम का और एक महानायक का अंत घट जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ चैनल में 617 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बाकी 383 सब्सक्राइबर चाहिए 1K तक पहुंचने के लिए। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करने को मत भूलिएगा। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर चलता हूं और मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 39वें एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।